beauty, yeah. Champion, oh God, don't turn me to a champion. Champion, oh God, don't turn me to a champion. साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज में। और आज मैं जा रहा हूँ आपका गोलापार में। आप सामने देख पाएंगे काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा है आपका गोलापार का। ये आपकी गोला की नदी है जो कि काफ़ी सूखी हुई है, बट बरसातों में इसका रूप और इसका सौंदर्य कुछ अलग ही होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की और मैं दिखाऊंगा कि क्या आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ इस क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं। तो स्टेडियम से हमने अपना जो जर्नी कंटिन्यू करी थी, अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करा था, यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस रोड को। ये रोड है आपका चोरगलिया वाला, और इस चोरगलिया से जो हमारा पहला स्टॉपेज आएगा वो रहेगा आपका कुंवरपुर चौराहा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को और दिखाता हूँ कि कुंवरपुर चौराहे के पास में स्कूल्स, बैंक, मार्केट और इसके आसपास की लोकेलिटी क्या है, कैसी है और कहाँ पर ये प्लॉट है। हमारा जो एक्चुअली जो हमारा ये ब्लॉक शुरू होगा या जो प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ उसका डिस्टेंस आपका कुंवरपुर चौराहे से कितना रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कुंवरपुर चौराहे से। आइए चलते हैं। तो यार यहाँ पर है आपका कुंवरपुर का चौराहा। आप जैसे देख पाएंगे इधर पे काफ़ी बिजी हाईवे है यहाँ पर। ये है आपका कुंवरपुर का चौराहा। ये जो रोड आप देख रहे हैं इधर पे, ये गई आपका हल्द्वानी स्टेडियम की तरफ को। ये रोड निकलती है आपका ऊपर काड़ुआम की तरफ को, और ये जो रोड जा रहा है आपका ये सितारगंज और चुरगलिया वाला है। बाकी हमारा अपकमिंग हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ का जो अपकमिंग ऑफिस आने वाला है गोलापार वाले क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आपका इस एरिया में रहेगा। ये है आपका पूरा का पूरा एसके मार्केट जिसका लैंडमार्क है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI कुंवरपुर का जो मेन चौराहा है आप देख पाएंगे इधर पे आपका SBI है यहाँ पर। इसके पास में हमारा अपकमिंग ऑफिस आने वाला है। तो अब हम आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में गोलापार के अंदर। जितने भी प्रॉपर्टीज़ में डील होंगी या जो भी हमारे आगंतुक हैं हमसे मिलना चाहते हैं या हमारा करना चाहते हैं ऑफिस का विजिट, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर हमसे मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस प्लॉट की तरफ को और दिखाता हूँ यहाँ से कितना डिस्टेंस रहेगा उस प्लॉट में। आइए आप देख पाएंगे इधर पे जो ये रोड है हमारा, जिस रोड पे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी, ये है आपका सितारगंज और चुरगलिया वाला रोड। यहाँ कुंवरपुर चौराहे से जिस प्लॉट में हम आज जाने वाले हैं वो प्लॉट आपका मेन हाईवे के काफ़ी क्लोज में है। दूसरी बात, ये जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर हमारे पास रहने वाली है। हमें मॉर्निंग में कॉल आया था इनके ओनर का, तो हमने कहा चलो ठीक है सर, अगर आपका ओनर एंट्री ही प्रॉपर्टी तो ही हम इसमें काम करते हैं। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। और इसके आसपास क्या कुछ खास है, मतलब इस रोड से लगा हुआ उस प्लॉट तक पहुँचने तक का क्या कुछ है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। स्कूल्स, पेट्रोल पम्प, बैंक तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ना, तो चलिए चलते हैं दिखाता हूँ आपको। आइए, इसके पास में काफ़ी अच्छी खास है यहाँ पर बाइक के शोरूम से, टू व्हीलर शोरूम है और आपका यहाँ पर कॉलेजेस हैं आधी की इधर पे। तो एक आपका संजय होंडा यहाँ पर है, टू व्हीलर का शोरूम है यहाँ पर है, जय श्री कॉलेज है यहाँ पर। इसके साथ में हम चलते रहते हैं आगे की तरफ को और यहाँ मैं दिखाऊँगा इस प्लॉट के आस पास की नियर बाई लोकेशन में क्या कुछ खास है। देखिए आस पास आप देख पाओगे इधर पर तो सब कुछ कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कॉमर्शियलीकरण हो चुका है। आसपास काफ़ी अच्छी खासी दुकानें हैं और एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है आपका A1 इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर आपका UPVC या CPVC डोर वगैरह मिलते हैं आपको, ठीक हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, ज़रा दूर नहीं बस थोड़ा आगे बढ़ने पर क्या है कि हमारे राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ पे आप देखोगे इधर पे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर SR पेट्रोलियम का पेट्रोल पम्प। चलिए चलते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। बाकी जितने भी हमारे नए नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम जो भी हमारे व्यूवर आज हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज में आए हुए हैं, उनसे कहूँगा कि भैया खाली हाथ मत जाइएगा, आए हो कृष्णा को देखने के लिए तो पक्का दबाइए सब्सक्राइब का बटन। मैं दूंगा आपको डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ वाली प्रॉपर्टीज जो कि हमेशा रहती है हमारे पास। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि ये है आपका MBBG कॉलेज गोलापार का। तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है यहाँ पर डिमोलिश होके नए तरीके से यहाँ पर कॉलेज बनने को आ रहा है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि ये एरिया कहीं ना कहीं आपका डेवलप होने को आ रहा है। यहाँ पर कॉलेज डेवलप होगा। कॉलेज डेवलप होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी चलते हैं आगे की तरफ को। और ये रहा आपका स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इसके पास में ही मिलता है,
ये सारी की सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉलेजेस वगैरह, ये सब आपका ऑन हाईवे लगे हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो MBBG कॉलेज इसके पास में ही है, स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर आपका जो टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज है वो भी इसके पास में ही है। बहुत सारी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या फिर यूँ कहूँ तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आपके लिए काफ़ी। और एक और आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, ये सरकारी विद्यालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किशनपुर। तो मैं बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपका किशनपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो दोबारा बताना चाहूँगा कि MBBG कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नाम से कॉलेज है, बाकी गवर्नमेंट का कॉलेज है। और ये देखिए, अब ये है आपका यहाँ पर स्टेडियम जहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं, यानी कि बच्चों का यहाँ पर काफ़ी कहीं ना खेल चल रहा है, तो बच्चे भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए तो ये ना आसपास आप देखेंगे, इधर पे एक टूर्नामेंट आज हो रहा है यहाँ पर, क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर आज हो रहा है। तो सिंपली बताऊँ तो स्टेडियम से हम यहाँ को जब आ रहे थे ना, तो ये सारे एरियाज हमको मिलते रहे। पहला क्या मिला हमको, एस के मार्केट जहाँ पर हमारा अपकमिंग स्कूल, अब SK मार्केट जहाँ पर हमारा अपकमिंग ऑफिस आने वाला है, साथ ही में वहाँ पर आपका SBI है, फिर आपका यहाँ पर MBBG कॉलेज है, फिर आपका यहाँ पर स्वामी विवेकानंद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का कॉलेज है, फिर आपका यहाँ पर स्टेडियम है। और उसके बाद देखिए आपको दिखाना चाहूँगा तो ये है कहीं ना कहीं आपका एलाइड पब्लिक स्कूल। तो मैं बोलना चाहूँगा एलाइड पब्लिक स्कूल यहाँ पर आप देख पाएंगे इधर पे, ये इसका लैंडमार्क है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, जो प्लॉट मैं आपके लिए आज लेके आया हुआ हूँ, वो है आपका एलाइड पब्लिक स्कूल के अपोजिट में ही। सिंपली आप देखोगे इधर पे तो ये रोड जा रहा है, इस रोड से लगा हुआ ये प्लॉट है। चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ उस प्लॉट में क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है आज, आइए चलते हैं। ये रहा आपका गोलापर हल्द्वानी का हाईवे, इसी के पास से लगी हुई ये प्रॉपर्टी है। और सिंपली बताऊँ तो ये क्लोज टू हाईवे है, मतलब हाईवे के इतने क्लोज है कि क्या बताऊँ, बिकॉज आप देख पाओगे इधर पे तो ये सामने है आपके, इधर पे ये रहा आपका एलाइट पब्लिक स्कूल। एलाइट पब्लिक स्कूल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये रहा देखिए, ये है आपका एलाइट पब्लिक स्कूल, ठीक है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को, मैं दिखाता हूँ आपको ये प्लॉट के बारे में, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं इसके रोड के साइज़ की, तो देखिए रोड का साइज़ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है, चौड़ा है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके साइड से देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पर नाली आ रही है या गूल आ रही है, और ये है आपका यहाँ पर चौड़ी रोड। रोड के साथ में देख पाओगे इधर पे तो ये रहा आपका बिजली का कुछ सिस्टमेटिक तरीका, आप देख पाएंगे इधर पे तो बिजली के पूरे पोल गए हुए हैं, अंदर काफ़ी अच्छी खासी आबादी बसी हुई है। बाकी आप सामने देख पाओगे इधर पे तो ये यहाँ पर एक कमर्शियल मॉल, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने आ रही हैं। सामने यहाँ लगी हुई है गोल और गोल के सामने लगी हुई आपकी यहाँ पर ये रोड। तो चलिए चलते हैं अंदर इस प्रॉपर्टी की तरफ को, दिखाता हूँ इस प्लॉट के डायमेंशंस, इसकी फेसिंग और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे। चलिए आइए, ये रहा देखिए इसका जो पहला खूंटा है, आप देख पाएंगे इधर पे तो ये पहला खूंटा इसका यहाँ पर है, ये है आपका हाईवे, मेन हाईवे के जस्ट पास में, मेन हाईवे से मात्र 2000 स्क्वायर फीट छोड़ने के बाद ये प्लॉट आपका शुरू हो जाता है। पहला खूंटा आपका यहाँ पर है, दूसरा खूंटा आपको दिखा दूँ तो ये रहा देखिए, ये रहा इसका दूसरा खूंटा, ये तो दूसरा खूंटा यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से ये प्लॉट शुरू हो जाता है, मेन हाईवे से दूसरा प्लॉट है, सेमी कॉमर्शियल ये प्लॉट है। और देखिए ना हाईवे की डिस्टेंस कितनी है यार, कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं, सामने स्कूल है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक भी स्कूल है, इस सामने से गई आपके यहाँ पर टेम्पू, ठीक हो गया। आइए चलते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूँ कि ये रहा इसका पहला खूंटा, और इसी पहले खूंटे के साथ में ये है आपका यहाँ पर दूसरा खूंटा, ये देखिए कार के जस्ट बिसाइड पे खड़ा है इसका दूसरा खूंटा, जो कि कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ में इसका जो लास्ट खूंटा है वो ये रहा, ये रहा। तो यार ये जो प्लॉट है आपका ना, इसके जो डायमेंशन है, इसके जो डायमेंशन्स आपकी स्क्रीन पे आप आ रहे हैं कि इसका फ्रंट कितना है, हालांकि मैं आपको बता दूं इसका जो फ्रंट है वो रहने वाला है आपका, इस प्लॉट की जो टोटल डायमेंशंस हैं सिंपली बताऊं तो 1000 स्क्वायर फीट है, जिसमें से इसका जो फ्रंट है वो रहने वाला है कहीं ना कहीं आपका 35 फीट का, बाकी रिमेनिंग इसकी डेप्थ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28 के समथिंग इसकी डेप्थ आने वाली है। 35x28 का ये प्लॉट रहेगा, 1000 स्क्वायर फीट की इसकी डायमेंशंस रहेगी। मेन हाईवे से गोलापार का, सितारगंज और हल्द्वानी का जो मेन हाईवे चल रहा है आपका, वहाँ से इस प्लॉट के जो डिस्टेंस है मात्र 20-30 मीटर ही रहने वाली है। और दूसरा इसका जो लैंडमार्क है ना, इसका जो लैंडमार्क है वो रहेगा कहीं ना कहीं आपका एलाइट पब्लिक स्कूल।
2000 स्क्वायर फीट का एरिया छोड़ने के बाद ये मिलेगा आपको 1000 फुट का टुकड़ा, 25 का फ्रंट, 28 की डेप्थ, 1000 फुट का ये प्लॉट है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके आसपास की लोकेशन या कम्युनिटी की, तो देखिए आसपास पूरी कम्युनिटी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं आपके पहाड़ी है। दूसरी चीज़, ये पूरी की पूरी यहाँ पर एरिया जो है यहाँ पर पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है, साथ में आबादी काफ़ी अच्छी खासी है। और देखिए इधर पर आबादी काफ़ी अच्छी खासी, इधर पर नियर फ्यूचर में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका नीचे दुकान आ जाएगी और ऊपर आपका मकान आ जाएगा, या सिंपली कहूँ तो नीचे कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर नीचे दुकानें रहेंगी, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में कहीं ना कहीं आपका बैंक रहेगा, उसके टॉप फ्लोर में आप चाहो तो वहाँ पर खुद रह भी सकते हो, या फिर कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वगैरह को या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आप इसको किराए में दे सकते हो। तो यानी कि ये प्लॉट जो है ना आपका, ये सेमी कमर्शियल प्लॉट है, तो कहीं ना कहीं आपका ये बहुत फायदे का सौदा आज रहने वाला है। प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, 1000 फुट का स्क्वायर फीट का ये प्लॉट एरिया है, 35x28 की इसकी डायमेंशन है। हाँ, अगर हम बात करते हैं इसके रेट की ना, तो देखिए रेट काफ़ी नेगोशिएबल है। सिंपली बताऊँ तो ये डायरेक्टली मोनर एंड पी प्रॉपर्टी मिली हुई है हमको, तो इसका जो रेट है वो है 2000 रुपये स्क्वायर फीट, मात्र 2000 रुपये स्क्वायर फीट के इसके आस्किंग प्राइस में रेट हमारे पास आया हुआ है। बाकी नेगोशिएट होगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमें ना कि आपका हमेशा और हर बार मालिक के हाथ में ही रहती है। हार्ट कलियर प्रॉपर्टीज़ हमेशा डील करता है सिर्फ ओनर के एंड ओनर एंड पी की प्रॉपर्टीज़ में, हार्ट कलियर प्रॉपर्टीज़ हमेशा डील करता है ओनर एंड की प्रॉपर्टीज़ में, तो हर बार और बार बार हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ वही प्रॉपर्टियाँ जो मालिक द्वारा बिकाऊ रहती हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी 2000 रुपये स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग है, 1000 फुट का ये प्लॉट है, मात्र 20 लाख का ये प्लॉट आपको मिलने वाला है, 35x28 का इसका डायमेंशन है। तो यार प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में, अगर आप चाहते हैं छोटे यानी कम बजट में, यानी कि 20 लाख के बजट में 1000 फुट का टुकड़ा लेना क्लोज टू हाईवे से मात्र दूसरा प्लॉट है। दूसरा प्लॉट होने के साथ में इसका जो रेट है, रेट 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जो कि नेगोशिएट होगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। बाकी डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो है आपका 1000 स्क्वायर फीट का, 35 फीट का इसका फ्रंट है, 28 फीट की इसकी डेप्थ है। बाकी साथियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय महाकाली।